हाय गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज के दिन हम माता सुंदरी कॉलेज का एक अच्छा खासा टूर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कॉलेज के बाहर का पूरा एनवायरनमेंट बता दूं तो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल है, बहुत ही ज़्यादा वेल सिक्योर्ड जगह है, क्योंकि ITO जो इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है उसके आसपास है। तो यहाँ पर सब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, डेंटल काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब आसपास में है। इसके साथ ही कॉलेज के जस्ट बाहर निकलते ही एक पिंक बूथ भी है, तो लड़कियों को पूरी सेफ्टी प्रोवाइड होती है। एंड इसी सब चीज़ों के साथ कॉलेज के बाहर ई रिक्शा स्टैंड भी रहता है जो बच्चों को सीधा मेट्रो स्टेशन छोड़ देता है। एंड अब चलते हैं कॉलेज के अंदर वो करने के लिए जिस चीज़ के लिए हम आए हैं। तो सबसे पहले तो ये कॉलेज का एक ओपन कोर्टयार्ड टाइप एरिया है जहाँ पर आज कॉम्पिटिशन्स हो रहे थे, मेहंदी कॉम्पिटिशन, रंगोली कॉम्पिटिशन, जैसे कि ये मोदी जी हैं। एंड इसी के साथ कुछ पेड़ बना रहे थे रंगोली से, रिसाइकल पत्तों से, मतलब ड्राई पत्तों से, ये वाली तो यूनिक आइडिया। इसके साथ अगर मैं मेहंदी में बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे, मेरे कॉलेज से खुद कुछ लोग आए हुए थे। बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे मेहंदी जैसे चीज़ को भी सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे दीज गाइज आर फ्रॉम माई कॉलेज एंड या हाई। इसी के साथ सुंदर सुंदर मेहंदी थी, मतलब किस तरह से जैसे मोर या फिर अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोग मेरे पर्सनल फेवरेट भी थे, जैसे कि ये इन्होंने खुद के हाथ पे खुद से मेहंदी करी, तो क्वाइट एक्सेप्शनल। एंड फिर से मेरे कॉलेज के दो दोस्त जो ये रहे, एंड ये भी मतलब हमारे कॉलेज से अच्छा पार्टिसिपेशन रहता है। चीयर्स। एंड अब चलते हैं थोड़ा भजन गाने के लिए, क्योंकि हमें स्पेशली इस चीज़ के लिए बुलाया गया है। तो स्टॉल के ऊपर आई वुड से जहाँ पर एक इंटरैक्टिव चीज चल रही है, रीड अ सीक्रेट लीव अ सीक्रेट, हमने अपना सीक्रेट तो लिख लिया है और किसी और का पढ़ने की बात नहीं। अपना सीक्रेट तो खुला ही रखना। सीक्रेट इज आई मे फॉल, आई मे लाइक माई बेस्ट फ्रेंड। ओ भाई साहब, मेरे को लग रहा है ये सही टाइम है भाई, कर ले। इंक्लूसिव, बहुत इंक्लूसिव लोग डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के। अभी हम इनकी ग्रुप फोटो में आए हैं। बाकी यहाँ पे टेस्ट हो रहे बहुत सारे, हम भी देंगे एक देखना। हम भी एक टेस्ट देंगे अभी थोड़ी देर में। थंब डालना है, हो गया? अच्छे से कवर कर दो। कर दिया। पेड़ में दी आर्ट। वाह क्या सीन है। इंस्पो। एंड आपका कौन, आपका क्या नाम है? जबरीन ने ये बनाया हुआ है। इनका हमने मतलब थोड़ा सा सेम किया। दिव्यम का ये रहा। This is, we support mental health guys, we support mental health. And we have Lavanya with us guys, high five. इसको व्लॉग पे आना बिल्कुल नहीं पसंद, इसने दो साल पहले ही कह दिया था। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नहीं दोनों आ जाओ। इतना प्यार भाई एक साथ मिल रहा है। जा जा जा। उफ। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थेरेपी वर्क्स। वाओ, गुडीज भाई। बहुत ही जूसी स्टॉल है यहाँ पर, फूड कोन, ब्लैक करंट, वर्जिन मोहितो, नॉटी नूड्स।
समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? हाय, आई डोंट रिमेम्बर। ओ जेन, अरे ठीक है, बहुत सारे ट्रीट्स मिलते हैं हमें मान्या जी की तरफ से, थैंक यू। इसके साथ चलिए अब आपको ले चलते हैं इस कॉलेज के ऑडिटोरियम में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा और बड़ा था। ऐसा दिखता है कुछ मेट्रो का माहौल, नहीं सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ, लिफ्ट का माहौल, एक्सक्यूज मी। क्वाइट ग्रेटफुल टू माता सुंदरी के बच्चे की, उन्होंने मुझे स्टेज से बाहर नहीं निकाला क्योंकि मैं इकलौता लड़का था। पर अब चलते हैं इस कॉलेज के कैंटीन की तरफ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ा था एरिया के हिसाब से, और अगर मैं वैरायटी बताऊं खाने की तब भी बहुत सारी थी, मतलब बहुत सारे काउंटर्स आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा था कि शादी का खाना है, बट नहीं ये इनका नॉर्मल है। हमने भी कुछ मंगाया था, टेस्ट वॉज एवरेज टाइप। ये कॉलेज की मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर एक जूस कॉर्नर भी है, और फेस्ट के दिन तो आपको दिखेगा सारी स्टॉल्स लगी हुई है, और इस तरफ जो है ये क्लास का विंग है, तो यहाँ पे क्लासेस होती है जो कि बंद है। पर अब चलते हैं एक छोटे से रिव्यू की तरफ मेरे तरफ से, एंड हियर वी गो। तो दोस्तों अगर एक कंप्लीट रिव्यू बताऊं मैं माता सुंदरी का, वो ये रहेगा कि कॉलेज अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें अच्छे लोग हैं, अच्छी फैसिलिटी है, अच्छी फैकल्टी है, आपके आसपास सीपी जनपद जैसी जगह होती है अगर आप आईटीओ पे आपका कॉलेज है तो। और अगर मैं इसकी नेगेटिव सी बात करूं तो कैंपस छोटा है, इतना आपको एक्सप्लोर करने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा जो ग्राउंड है वो एक अलग जगह पर है जो कॉलेज से कनेक्टेड है, बट या डजंट फील गुड। और उसके साथ फिर ज़्यादा खेलने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वॉलीबॉल है पर बास्केटबॉल नहीं है, कुछ स्पोर्ट्स नहीं है तो आपको खुद से करना पड़ता है अगर करोगे तो। और गुरुद्वारा है आसपास तो वो अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है आपके लिए। बाकी एकेडमिकली अच्छा कॉलेज है, 90% या उससे ज़्यादा ही जो रेटिंग है उसके ही बच्चे आते हैं, बट एक कॉलेज लाइफ जो होती है उसका इतना मज़ा नहीं है क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है, देन छोटा कैंपस है, इतनी अच्छी कैंटीन नहीं है, चीज़ें नहीं है। तो आउट ऑफ 5 मैं बताऊँ तो ये कॉलेज 3-star रेटिंग पर रहेगा। बट या इट्स गुड, पीपल आर नाइस हियर, मेरा बहुत अच्छा दिन निकला यहाँ पर, एंड अ मेमोरेबल डे इन माता सुंदरी। तो अगर आप इस कॉलेज से हैं तो या देयर इज अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ, बट एट द सेम टाइम देयर आर थिंग्स जो कि और अच्छी हो सकती है। दैट्स श्रीधर आरटी साइनिंग ऑफ, जय हिंद। दोस्तों कुछ ऐसी भीड़ है एंट्री पे, ओ हो रही है पर धीरे धीरे हो रही है, बहुत मतलब नहीं है भाई। और कोई गुलदस्ते लेके आए, ओ इनके हो इज्जत के लिए लेके आए थे, अटक गए भाई बाहर ही, ये कहाँ से जाएंगे, इनके साथ जा सकते। पाकिस्तान बॉर्डर था जिसको क्रॉस करके हम लोग गार्डन में जाएंगे, अब इनके छोटे से गार्डन में चार दोनों तरफ बैरिकेड्स लगे हुए हैं यहाँ पे, और अगर ग्राउंड गार्डन भर गया इनका तो मैं ग्राउंड भी नहीं बोल रहा, मैं गार्डन बोल रहा हूँ, इतना छोटा है। दूसरा था जिसको क्रॉस कर चुके हम, और ये है वो जगह जहाँ पर जब्बीर जस्सी आने वाला है। यस, थोड़ा और जोर से नाम लेते, सारी बातें मैं सुनूंगा सोरेया, तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा, सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर, तू मान मेरी जान जाने ना दूंगा। तो अब हम सुनेंगे जब्बीर जस्सी जी के कॉन्सर्ट को लाइव, सो गाइस स्टे।
जय सियाराम। That's all from the day, guys. Guys, we have Pari and Naina with us. Hi. कैसी है ये कॉलेज के आसपास जो ये जगह है within 500 meters range की? अच्छी है, मतलब you can eat things here. मतलब कैंटीन से बेटर है या कैसे? कैंटीन से बेटर है. और मतलब कॉलेज के मैक्सिमम दोस्त आपके यहीं आ जाते हैं? नाइस. अड्डा कहते हैं इसको आपके कॉलेज का, जहाँ से फिर आप सीधा जाओ तो मेट्रो आता है. थैंक यू गाइस.